राम राम भाई। राम राम भाई साहब को। भाई साहब क्या नाम अपना? अपना नाम रोहतास है जी। गांव कौन सा होगा? गांव खेड़ी है जी। तहसील अटेली जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से जी। जी अच्छा, कितनी बकरियां हैं अपने पास? 24 बकरियां जी। कौन सी नस्ल में जी? इसके अंदर जखराना भी है। हाँ। राजस्थानी माकड़ी भी है। हाँ हाँ। और कुछ तोतापुरी का मिलावा भी है। अच्छा। मिक्स में है। कब से रख रहे हो बकरी? मैं सर रख रहा हूँ इसको लगभग 17-18 साल हो गए मेरे को। 17-18 साल हो गए हैं आपको जी बकरियाँ रखते हुए? जी मैंने बहुत बकरियाँ पाली हैं और बहुत बेची हैं। अच्छा। हाँ जी। कैसा धंधा है बकरियों वाला? धंधा बहुत अच्छा है जी। अगर अच्छा जो जो आदमी और कोई काम नहीं कर सकता या इनका बिजनेस करना चाहता है उसके लिए बहुत प्रॉफिट है। प्रॉफिट वाला धंधा है? बिल्कुल प्रॉफिट वाला है जी। मैंने अपने बच्चे की शादी की है इनकी कमाई से। अच्छा जी। तो पूरे दिन बाहर घूमना पड़ता है ना जी? ये तो देखो मेरी बात सुनो, जो पैसे कमाने हैं तो घूमना पड़ेगा। किसी के पास मजदूर जाएंगे तो भी वो खाली छोड़ देगा। अच्छा, सिर्फ बकरियों का काम करते हो या फिर कोई और भी धंधा है अपना? नहीं जी, बकरी का है या जमींदारा है? जमींदारा है। हाँ जी। अच्छा जी, सेल करना चाह रहे हो आप इनको? हाँ जी बिल्कुल सेल करना चाह रहा हूँ। क्या चक्कर है, क्यों सेल कर रहे हो? ये बच्चा है, बच्चा मतलब ये सब लग गया, जो स्कूल से आकर के कुछ थोड़ा बड़ा मदद किया करता था। हाँ हाँ। अब मदद करने वाला कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ। अब दूध दार भी पिलाना सब कुछ मेरे को ही करना पड़ता है, नहीं तो मैं खेती बाड़ी को ध्यान दे सकता। हाँ। नहीं और इसलिए मैं तो देना चाह रहा हूँ। ट्रैक्टर भी रखते हो? बिल्कुल ट्रैक्टर रखता हूँ जी, कुटी कटाई का काम करता हूँ। अच्छा, बकरियों में आ जाते हो तो फिर वो काम नहीं रह जाता? बिल्कुल रह जाता है जी। अच्छा, अब बच्चा था जब तुम लोग, थोड़ा बहुत सहारा मिल जाता था, सहारा जब वो पड़ रहा है। तो क्या कुछ रेट रहेगा इन बकरियों का जी? ये 13-14 हज़ार रुपये बकरी के हिसाब से जाएगी। एक एक बेचेंगे या फिर सारे एक साथ ही बेचेंगे? हाँ, कोशिश तो यही है सभी एक साथ बिक जाए। हाँ हाँ। अभी हमें भी मतलब एक बार छुटकारा मिल जाए। हाँ। बार बार दो बच गई तो दो के पीछे भी डोलना है, वो 10 के पीछे भी डोलना है। तो कितनी बकरियां ब्याई हुई हैं इसमें? बकरी ब्याई हुई ये 10-12 बकरी हैं जो ब्याई हुई है। अच्छा, और बाकी की? बाकी की लगभग 2-2.5 महीने की सारी हैं। हाँ, कोई 1.5 महीने की है, कोई महीने की भी है। इस हिसाब से। अच्छा। हाँ। एक बार अपनी थोड़ी बकरियां दिखाओ जरा। हाँ जी, बकरी जो बताइए कौन सी नस्ल दिखाऊं मैं आपको? जो भी हैं आपके पास वही दिखाने शुरू कर दो। तो भाई कौन सी नस्ल में है ये? ये राजस्थानी माकड़ी बोलते हैं जी इसको। काली माकड़ी? हाँ जी। अच्छा ठीक है जी। ये जो पहाड़ी एरिया होता है उसके अंदर मतलब ये सब ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, कौन से ब्यांत में होगी ये? लगभग 3rd या 4th ब्यांत में है। दूध का कितना क्या हिसाब किताब है? 2.5 से 3 लीटर। अभी प्रेग्नेंट है ये? हाँ जी बिल्कुल। कितने दिन की प्रेग्नेंट? ये लगभग 2-2.5 महीने के लगभग। और ब्याई हुई कितने दिन की है? तो ब्याई हुई लगा लो ना, जब 1 महीने के बाद में लगभग हुई है, 1.5-1.75 महीने के बाद में। चराई के ऊपर है जी, अगर ये चराता है तो बट भी सकता है। सामने वाली ये काली रंग की? हाँ जी। ये भी 2.5 से 3 लीटर है। हाँ हाँ। जैसे इसको अच्छी तरह से संभाला जाए तो 3 से ऊपर भी चली जाएगी। 3 से ऊपर जी। हाँ। आप यहाँ पे चरा के ले जाते हो, उसके अलावा घर पे भी कोई अनाज वगैरह? नहीं जी, कुछ नहीं डालते हैं। कोई अनाज नहीं है, उसके बावजूद भी 2.5 से 3 लीटर चली जाती है जी। अच्छा, बढ़िया है। हाँ जी। ये वाली भी ताज़ा ब्याई हुई है क्या? ये वाली? हाँ, ये है लगभग हो गया, इसको 2 महीने ब्याई हुई होगी। 2 महीने हो गए जी? ठीक ठीक। और आगे की हो गई ये? हाँ। तो लगभग ये 20 दिन से महीने के लगभग के आगे की है। ये कौन सी नस्ल में है? ये जी जखराना की इसकी माँ है। हाँ। और तोतापुरी का बन रही है बकरा है। अच्छा, बढ़िया। उसे क्रॉस की नस्ल बनाई थी एक मैंने। अच्छा, ब्रीडर ये कौन? हाँ। सी नस्ल में है अपना ब्रीडर? ये तोतापुरी का दोगला है जी। तोतापुरी का दोगला है जी। कितने दांत में है ये? 6 दांत हो गया जी। 6 दांत में है? 6 दांत है जी। मोड़ा जी, टेस्टिकल्स? हाँ जी। काफी बढ़िया, खूब बढ़िया जी। अच्छा, एक सरी बच्चा देखा है था अभी? कौन सा? एक ब्रीडर और देखा? हाँ जी, है ना वाला? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सींग वाला भी है और एक बिगर सींग वाला भी है। एक और भी है जी? अच्छा,
तीन ब्रीडर रख रहे हो? हाँ जी, ये लड़ते नहीं है हमारे आपस में। हाँ हाँ, ये जी कौन सी नस्ल में होगा? ये जी राजस्थानी माकड़ी में आता है। ये माकड़ी में है, ये ऐसा कलर? हाँ जी, ये जैसे दूसरा बकरा कोई क्रॉस कर देता है उससे ऐसा मूल्य में प्रभाव पड़ता है, मिक्स में थोड़ा मिक्स में होता है। अच्छा, ये जो ब्रीडर हैं ये किस हिसाब में देंगे? जी ब्रीडर तो इसी रेट में दे देंगे, 13-14 में ही बकरियां, 13-14 में ही। हाँ, इनके साथ में। हाँ हाँ, अलग से देंगे तो 25-30 हजार रुपए एक ब्रीडर के। हाँ हाँ, ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया है, चलो बकरियों को तो चलने दो। अच्छा, जो बच्चे दूध पी रहे हैं जी वो बकरी के साथ आएंगे जी? बकरी के साथ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा जो पाठ वगैरह? हाँ जी, इसका क्या कुछ रेट रहेगा, क्या हिसाब रहेगा? अगर जो लाट में लेगा हाँ, तो लाट में जैसे जैसे बरसात होगी हाँ, तब वो आगे की हो जाएंगी हाँ, इस हिसाब की हमारी पठिया है हाँ, हाँ, तो उनका रेट लमसम अगर जो करना चाहेगा तो हो जाएगा हाँ, हाँ, लेकिन इसी रेट से देने की इच्छा है हमारी। अच्छा, अगर भाई पूरी लाट का ऊपर नीचे हो जाएगा, वो बकरा है ना, तो बकरा है हाँ, बकरा इनको क्लोज कर जाएगा, ज्यादा पठिया है नहीं ना जी, तीन पठिया है हमारे पास। अच्छा, तीन ही पाठ है? हाँ जी, या तो छोटे बच्चे हैं या फिर बड़ी बकरियां ही हैं। हाँ, बड़ी बकरियां ही हैं। और आपने बताया कि 13-14 हजार रुपए पट्टी के हिसाब से दे देंगे? बिल्कुल दे दूंगा, पट्टी ब्रीडर भी होंगे तीन? ठीक है, ठीक हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ब्रीडर भी होंगे हाँ, और ब्रीडर मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास में दो हैं हाँ, अलग दोनों एक वैरायटी है जी, ये वाला भी है हाँ, ये रहा हाँ हाँ, ये कितने दांत में है? ये जी मैं अभी देख लेता हूँ ना, चार दांत में होगा? नहीं जी नहीं, दो है जी, चौथे निकालने? नहीं जी, दो है। अच्छा, दो ये तो क्लियर है, दो दांत है बच्चा ही जी, दो ही है। हाँ, चार दांत क्यों बना रहे हो? ये है जी, दूर से ऐसा लगा जो चौथे दांत निकाल रहा है, तोतापुरी का बच्चा हाँ, इसका बाप है हाँ, और इसकी जो माँ है वो है ये जो सिरोही बोलते हैं, सिरोही की इनकी क्रॉसिंग है जी, उधर ये इसकी हाँ, ये क्रॉसिंग में बढ़िया, ठीक है जी, ठीक है जी। ये मेरे को शौक है अगर नई नस्ल तैयार करने का। चलो ठीक है, आप मजबूरी में ये बकरी? हाँ जी, मजबूरी में बेच रहा हूँ। और अगर किसी भाई को पसंद आती है तो आपसे फोन कर लेंगे जी? फोन कर लेंगे हाँ जी, और कुछ बनेगा तो बना भी देंगे, कर लेंगे इतनी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, प्रेमी आ जाए या मतलब जैसे कोई ज्यादा ये है कि भाई ज्यादा शौकीन आ जाए हाँ, तो हो भी जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है।